विधायक प्रतिभा धानोरकर ने सोयाबीन फसल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी को किसानों की फसलों के पंचनामे करने की आदेश दिए। टांडाली में करीब 180 ग्रामस्थों को गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। उसी के साथ खनिज विकास प्रतिष्ठान निधि के अंतर्गत रास्ते का भूमि पूजन व नव बौद्ध योजना अंतर्गत समाज भवन का लोकार्पण सांसद बालू धानोरकर के हाथों किया गया। इसमें क्रोबास सभापति दिनेश चोखारे, सरपंच इंदिरा कासवटे, उप सरपंच कृष्णा जी पाम, सदस्य सुबोध कासवटे, संचालक बाजार समिति नागेश बोंडे, पूर्व सभापति रोशन पसारे, पावन अकदारी, पूर्व सरपंच गणेश आवारी, चंदू माटने, पूर्व जिला परिषद सदस्य विलास भगत, वन रक्षक आर एम पाथरडे, पंचायत समिति सदस्य विलास जीवने, पूर्व सरपंच संजय टिपले, साईबाबा झाड़े, तंटा मुक्ति अध्यक्ष हिमराज जुनघरे, कौड़ू दिवसे इनकी उपस्थिति थी। चंद्रपुर जिला यह वन का जिला है। यहाँ वन का अस्तित्व ऐसे ही टिके रहने के लिए ग्रामस्थों को चूल्हे पर खाना ना बनाते गैस कनेक्शन दिया गया, जिसमें मनीषा प्रकाश जुनघरे, सविता बाजीराव आमटे, मनीषा वडस्कर, विद्या कासवटे, पपिता अमर, हर्षा पारखी इन आदि का समावेश है। आगे भी प्रत्येक गांव में विकास की दृष्टि से विचार करेंगे। महात्मा गांधी के विचार सामने कर खेड़े का विकास करने के लिए सभी ने एक साथ आने का आह्वान सांसद बालू धानोरकर ने इस समय किया। जिले में ग्रामीण इलाके का विकास करना यह प्रथम उद्देश्य है। वह लोक सहभाग के माध्यम से करना जरूरी होकर ग्रामस्थों ने गांव का राजकारण दूर रख विकास को प्राधान्य क्रम देने का आह्वान सांसद बालू धानोरकर ने किया है। वे चंद्रपुर तहसील के ताडाली के विविध कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे।